आज हमने ट्राई करी थ्री इडियट्स के वायरस बोमन ईरानी की फेवरेट आइसक्रीम जिसे खाने वो बचपन से यहाँ आ रहे हैं। 1953 एस्टैब्लिश्ड के रुस्तम आइसक्रीम सैंडविच लाइन लगा देते यहाँ सैंडविच खाने के आइसक्रीम सैंडविच खाने के। तो आज समुन्द्र के बीच बने इंडिया के पहले अंडर वाटर टनल से गुजर कर हम पहुँचे कोलाबा में मौजूद रुस्तम नाम की इस आइसक्रीम की दुकान पर। अरे डिगरा, ये मारो फेवरेट आइसक्रीम की दुकान छे। वेफर होता है वेफर क्रंची वाला, उसके बीच में आइसक्रीम दबी हुई है, मतलब आइसक्रीम सैंडविच। आइसक्रीम सैंडविच बड़ी यूनिक तरह का, दिल्ली में हमने कभी नहीं खाया, यहाँ ट्राई करते हैं। ये दुकान 1950 से मुंबई के कोलाबा में एक ऐसी कमाल की आइसक्रीम बेचती है जिसे खाने के लिए लोगों की भीड़ दिन भर यहाँ जुटी रहती है, और ये हैंड्स डाउन मुंबई की मोस्ट पॉपुलर आइसक्रीम शॉप है। यार अच्छी खासी भीड़ है नहीं राहुल यहाँ पे, और हम तो वहाँ पे पीछे ही रुके थे और हमने देखा ये कौन ये आइसक्रीम खाते हुए जा रहा है, ये भी आइसक्रीम खाते हुए जा रहा है, ये चीज क्या है जो सब खाते हुए जा रहे हैं। इनकी आइसक्रीम आपको भी कितनी पसंद है जरा बताना कमेंट सेक्शन में। वैसे यहाँ की आइसक्रीम के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी फैन है, जिनमें से एक है अपने वर्सटाइल एक्टर बोमन ईरानी जी, जिनको ओपरा सुनते सुनते शेव कराने के साथ अगर कोई दूसरी चीज पसंद है तो वो है के रुस्तम की आइसक्रीम। वैसे इस शॉप को चलाने वाले लोग भी बोमन ईरानी की तरह पारसी समाज के ही थे। एंड देखो वैसे तो ऑलरेडी इतने लोग इनकी आइसक्रीम के लिए यहाँ लाइन में लगे थे, तो मतलब ये चीज तो थी कि ये पक्का कुछ ना कुछ बढ़िया तो बेच रहे हैं। पर फिर भी एक बार इसे टेस्ट करना इंडिया के बेस्ट फूड क्रिटिक यानी मेरा भी बनता है। अब इनके पास मेन्यू में आइसक्रीम के 60 से भी ज्यादा फ्लेवर्स थे, लेकिन सीजन के हिसाब से आज इनकी दुकान पर कुछ 25 फ्लेवर्स ही अवेलेबल थे, जिनका नाम कुछ ऐसे नोटिस बोर्ड पर लिखा था और प्राइस रेंज थी इसकी कुछ 50 रुपए से 100 रुपए के बीच। अब यहाँ इनकी दुकान का बेस्ट फ्लेवर कौन सा है इसके बारे में मैंने तो यहाँ इनके दुकानदार से ही पूछा, जिसमें उन्होंने हमें यहाँ वॉलनट क्रंच आइसक्रीम टेस्ट करने की सलाह दी। तो हमने दबाई उनकी सलाह अनुसार वॉलनट क्रंच ऑर्डर करी विद अनदर नेस्कैफे कॉफी फ्लेवर्ड आइसक्रीम सैंडविच। उसके बाद हमने देखी इस आइसक्रीम के बनने की कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, जिसमें एक जमी हुई आइसक्रीम की ब्रिक को बड़ी मुश्किलों से इन्होंने दो वेफर के बीच में दबाया और फिर मुश्किल से इसे नैपकिन में लपेट कर हमें दिया, और यही था सीक्रेट के रुस्तम की हॉट सेलिंग आइसक्रीम का। मतलब देखा जाए तो बड़े सिंपल से वेफर और आइसक्रीम के कॉम्बिनेशन से बने इस आइसक्रीम सैंडविच के कारण ही पूरे मुंबई में इतनी फेमस है। पर रुक जाते हैं यार, टेस्ट से पहले इसका कंक्लूजन नहीं करते, सबसे पहले इसका स्वाद लेते हैं। एक लेडी मिली है, ये यहीं पे बैठी हुई थी, मेरे को आइसक्रीम की फैन है शायद बहुत बड़ी। आंटी आप बता सकते हो कौन कौन आता है? एक महीने में एक बार, महीने में एक बार आते हैं। और प्रीति जिंटा, प्रीति जिंटा गाड़ी में बैठती है, उनके वो ले जाते हैं। अच्छा, असिस्टेंट ले जाते हैं। और कौन कौन आता है आंटी यहाँ पे? मम्मी ने एक स्पेशली एक सवाल पूछा था उन भैया से कि नेहा कक्कड़ आती है यहाँ पे? मम्मी की फेवरेट है, क्या कर सकते हैं। प्लीज अगर नेहा कक्कड़ आओ तो प्लीज मम्मी के लिए और बोमन ईरानी ने तो इनफैक्ट इंटरव्यू में वो खुद यहाँ पे आए थे, जिसमें उन्होंने बोलते हैं इनका फेवरेट है जो अपन वो खाते हैं क्रंची बीच में चॉकलेट डाल के उसमें बीच में आइसक्रीम है। आइसक्रीम सैंडविच है क्या फीलिंग आने लग गई है क्या? कि मुंबई वाले किसी भी चीज के पीछे पागल होने लग गए हैं क्या? अशोक वड़ा पाव में हमने वड़ा पाव खाए थे, मैंने उससे बेटर वड़ा पाव दिल्ली में भी खाया है। सेम गोज़ फॉर दिस आइसक्रीम, पर ये यूजुअल आइसक्रीम है यार। वेरी गुड टेस्टिंग फ्लेवर्स बट नॉट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो मैं एक्सपेक्टेशन लेके आ रहा। आप मुंबई वाले कभी दिल्ली आओगे ना, कूड़े मल की कॉफी है, कूड़े मल नाम का मत जाना, कूड़े मल की कॉफी उसके अंदर आइसक्रीम जमाई, वो होता है यूनिक कॉन्सेप्ट। ये बड़ी टिपिकल और ऑर्डिनरी आइसक्रीम है, पुराना कॉन्सेप्ट है, दैट्स व्हाई दिस इज रनिंग सो सक्सेसफुली। लेकिन उसके बावजूद आइसक्रीम के फ्लेवर्स आर वेरी ऑर्डिनरी, जो कि क्रीम बेल की मेरे को रेडी पे भी मिल जाती है। तो भाई आपने कभी के रुस्तम्स की आइसक्रीम ट्राई करी है? आपको ये कैसी लगती है आप कमेंट सेक्शन में बताना। हम मिलेंगे आपसे कल, गुड नाइट।